अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज मेरा सीधा मैसेज है मेरे भाई, हम सबके भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब को। असद भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मैं भी वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हो। आप पार्लियामेंट में हो और यही बात मैं आजम खान, हमारे हाशमी साहब, अबू हाशिम हाशमी साहब, ये सबसे पूछ रहा हूं और जितने भी वो सत्ता पे बैठे हुए लीडर है उनसे पूछ रहा हूं कि असद भाई, आप पार्लियामेंट में बैठ के जो काम कर रहे हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप मुसलमानों के लिए नहीं, आप इंसानियत के लिए काम कर रहे हो। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं और ये सब लोगों से, कि मुझ पे 3 फॉल्स केस लगाए गए, मेरे लिए आप कभी आवाज नहीं उठाए। असद भाई, आपने कन्हैया कुमार के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाई, आपने कई लोगों के लिए आवाज उठाई, लेकिन आपने एजाज खान के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। ना कभी आपने मुझे फोन किया कि एजाज तुझे कोई तकलीफ हो रही है, तेरे साथ ना इंसाफी हो रही है, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को दिख रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन आपने सर और आपके वारिस पठान साहब ने इस मुद्दे पे कभी नहीं बोला। बॉम्बे से आपको मेरी क्या इमेज दी जा रही है, यहां से आपके लोग आपको, क्योंकि आप तो मुझे नहीं मिले, नहीं जानते हो, लेकिन आपको जो मेरी इमेज दे दी जा रही है, असद भाई मैं बहुत बड़ी ताकत माशाल्लाह आपकी बन सकता हूं। मुझे भी मेरे साथ थे, अल्लाह ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जनता ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मैं मेरे भाइयों से ये कह रहा हूं, सत्ता में हमारे ये लोग बैठे हैं, तो अगर ये मेरे लिए नहीं आए तो फिर किसके लिए आएंगे? आपके लिए सवाल सही है। अगर आपको लगता है कि एजाज खान जो बोल रहा है वो सही है, आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ था, मैंने जो आवाज उठाई थी वही आवाज असद भाई उठाते हैं, अकबर ओवैसी उठाता है, वही आवाज अबू हाशमी हाशमी उठाते हैं, वही आवाज सारे लोग उठाते हैं, सारे नेता बोलते हैं, न्यूज में दिन भर यही भाषण चलता है। उसके बावजूद सुनाई गई, मुझे जेल भेजा गया, उसके बाद रोज मुझे पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी देनी है, मेरे साथ ये सब हो रहा है, उसके बाद मुझे डराया भी जा रहा है कि अभी तो अगर तूने कुछ बोला तो तुझे और अंदर डालेंगे, ऐसी जगह डालेंगे कि तू सोच भी नहीं सकता है। तो क्या आपको लगता है मेरे साथ ये सही हो रहा है? और आपको नहीं लगता कि ये रहनुमा बनते हैं हमारे, तो इन लोगों को हमारा साथ देना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए? बस यही सवाल था, सीधी बात, नो बकवास। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना।